Hello everyone. So today we are starting with the other half of taxation syllabus, which is Income Tax Act 1961. We are going to do this in detail. It seems a little tough to a lot of people. It's actually not tough. It's very interesting. Very, very interesting. आपको बहुत मजा आएगा जब आप इसके concepts पढ़ेंगे. It's actually a little lengthy. Volume ज़्यादा है तो इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा tough है. But don't worry. It will become very easy for you and very interesting to study. So some of the new students are joining us today who have not studied IDT from me till now. They'll do it in the next batch. So I'm just going to give a little basics of taxation to them and then we'll jump on to income tax. So what is tax? मैंने आपको पहले भी बताया है. So tax की बहुत सारी definition बहुत अलग अलग जगह पर आपको मिल जाएगी. But my definition is simple. Taxation is a compulsory levy by the government of any country. Compulsory levy है. It's not like someday I wake up and I decide not to pay tax. So my government ko bol diya, government aaj main tax nahi dunga. It's not like that. That's not the case. Compulsory levy hai, aapko dena hi padega agar aapke upar levy ho raha hai to. Then what does the government do of these funds? So government has a lot of functions and to perform. For example, they have to dekhenge ki kai government hospitals hote hain. So that infrastructure of hospitals, there are government schools as well. So unka infrastructure. तो ये सब के लिए गवर्नमेंट को फंड्स चाहिए होते हैं. एंड द ओनली सोर्स ऑफ इनकम और आई शुड से वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज टैक्सेशन, राइट? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. वी आर गोइंग टू स्टडी इनकम टैक्स टुडे. सो गवर्नमेंट यूजेस दीज फंड्स टू मीट आउट सच एक्सपेंडिचर. वो सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मीट आउट करती है इस रेवेन्यू से. ऐसे बहुत सारे और एक्सपेंडिचर्स हैं. फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है हर चीज़ आपको फ्री में दी जाए. कुछ चीज़ें आपको सब्सिडाइज प्राइस पे दी जाती हैं. फॉर एग्जांपल, आपको रेलवे सर्विसेज बहुत ही सब्सिडाइज प्राइस पे मिलती है. और किसी की बात करूँ, फॉर एग्जांपल डिफेंस एक्सपेंडिचर है. सो इफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर आस्क्ड टू पे एनी सम टू फॉर द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, दे विल बैक आउट. हर कोई मना कर देगा, नहीं हमें जरूरत नहीं है सिक्योरिटी की, हम तो यहाँ पर है, हम तो वहाँ पर है. सो ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स प्राइवेट एंटिटीज इसमें स्टेक लेती नहीं है, टेकअप करती नहीं है ये सारे एक्ट्स, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते. सो ऑल दीज एक्ट्स हैव टू बी परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इन्हें परफॉर्म करती है, बट उसके लिए भी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स फॉर दैट. और वो फंड्स टैक्सेशन के तौर पर गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है, राइट? सो दिस इज सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन. आज हम लोग बहुत बात करेंगे, पूरी बात हम डायरेक्ट मतलब टैक्सेशन के बारे में ही करेंगे. पहले अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ. आई थिंक वी हैव ओपन्ड द रॉन्ग फाइल. लेट मी सी. One more file is there. I'll just open it up. So there are basically taxation has been divided into two parts. One is direct taxation, one is indirect taxation. हमें नाम से ही पता चल जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होगा. मैं आपको बता देता हूँ. अगर टैक्स आपके ऊपर लेवी हो रहा है या टैक्स का इंसिडेंस आपके ऊपर आ रहा है और आप ही गवर्नमेंट को जाकर टैक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो उसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली आप जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा रहे हैं. और अगर टैक्स, हाँ जी, टैक्स आपके ऊपर लेवी हो रहा है, आप उसकी पॉकेट, आपकी पॉकेट से वो टैक्स आप पे कर रहे हैं, लेकिन उसको डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास कोई और जाकर कराता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोलते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंचता है. समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया. एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ में आएगा. आपने मार्केट गए, आपने एक लैपटॉप परचेज किया. उस लैपटॉप पर लेट इज से वो 40,000 का लैपटॉप आपने परचेज किया. उस 40,000 के लैपटॉप पर टैक्स चार्ज किया गया, जीएसटी. कितना? लेट इज से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 10,000 रुपीज जीएसटी चार्ज किया. तो 40 + 10 50,000. तो उस शॉपकीपर ने आपसे टोटल अमाउंट 50,000 का पेमेंट मांगा और आपने 50,000 का पेमेंट दे दिया. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो 50,000 पर 50,000 में जो 10,000 का टैक्स जुड़ा हुआ है, इसका बर्डन किसके ऊपर आया, इसका इंसिडेंस किसके ऊपर आया? आपके ऊपर आया, क्योंकि आप परचेज करके आए और आपने अपने पॉकेट से इसका पेमेंट किया, राइट? बट क्या ये जो टैक्स था 10,000 का, ये आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाके डिपॉजिट कराते हो, गवर्नमेंट को जमा कराते हो जाके? नहीं सर, हम तो नहीं कराते. कौन करता है फिर? क्या ये टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचता है? यस, पहुंचता है. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमने आईडीटी में पढ़ा हुआ है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर. सप्लायर कौन है? वो शॉपकीपर. तो ये 10,000 का जो अमाउंट है,
वो गवर्नमेंट के पास वो शॉपकीपर जाके डिपॉजिट करता है. सो दिस अमाउंट रीचेज द गवर्नमेंट बट इनडायरेक्टली, आपके थ्रू नहीं पहुंचा, किसी और के थ्रू पहुंचा, आपने नहीं गवर्नमेंट को जमा कराया. सो दिस इज गॉन टू द गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, दैट इज वाई GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. तो आप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपली ये देखकर पता लगा सकते हैं इंसिडेंस या बर्डन किसके ऊपर आया टैक्सेशन का, और अगर उसने ही डिपॉजिट कराया है गवर्नमेंट को, देन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, किसी भी तरह का टैक्स हो, अगर ये मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्सेशन कहलाया जाएगा. एंड इफ आपकी ही इनकम है, लेट अस सपोज आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, आप 12 लाख रुपीज पर एनम अर्न करते हैं, उस सैलरी पर इनकम टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और उस अमाउंट को आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, तो लेटेस्ट से आपके 12 लाख पर एनम पर 1,20,000-30,000 का टैक्स हुआ, इन टोटल 1,30,000 का टैक्स हुआ. तो ये टैक्स आप खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको गवर्नमेंट को जाके जमा कराना है. टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया, आपके ऊपर आया. गवर्नमेंट को डिपॉजिट किसने कराया, आपने कराया. तो दोनों एक्ट आपने किए, बर्डन भी आपके ऊपर है और डिपॉजिट भी आपने कराया. ये टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, जिसके ऊपर लेवी हुआ था उसी ने डिपॉजिट करा दिया. हेंस इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेशन. सो दिस इज अ वेरी सिंपल डिस्टिंक्शन दैट वी हैव डन. एक और डिस्टिंक्शन बता देता हूं इन दोनों में. डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम के ऊपर लगता है, डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम के ऊपर लगता है, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है. जब आप मार्केट में जीएसटी अगर आप देखेंगे, तो या तो जीएसटी किसी गुड्स के ऊपर लग रहा होगा या फिर किसी सर्विसेज के ऊपर लग रहा होगा. इनकम टैक्स अगर हम बात करें तो वो हमारी इनकम के ऊपर लगता है, राइट? चलिए कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं. सो व्हाट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन डायरेक्ट टैक्सेशन. आपकी ही इनकम है, आप इनकम पर टैक्स लगा, आप ही जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर. इंसिडेंट इंपैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन. टैक्स आपने दिया अपनी पॉकेट से लैपटॉप का, लेकिन आप डिपॉजिट नहीं करा रहे, आप डिपॉजिट नहीं करा रहे. ठीक है, लेविड ऑन इनकम, लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी बात करते हैं. प्रोग्रेसिव इन नेचर. ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है या इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा. अगर मैं आज 10 लाख कमा रहा हूं तो मुझ पर 1 लाख रुपए टैक्स लग रहा है. कल मैं 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाऊंगा तो मुझ पर अराउंड 27 लाख रुपीज टैक्स लगेगा. अगर मैं 2 करोड़ रुपए कमाने लग जाऊंगा, मुझ पर टैक्स का अमाउंट 55 to 60 लाख के बीच में हो जाएगा. ठीक है, so as my income is increasing, the amount of tax is also increasing. मैं जितना टैक्स पे करता हूँ, मुकेश अंबानी जी उससे बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं, राइट? क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है. यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन में देखते हैं क्या लिखा है. इनडायरेक्ट टैक्सेशन में लिखा है रिग्रेसिव इन नेचर. रिग्रेसिव वर्ड थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर इसका बर्डन अनड्यूली बर्डन पड़ रहा है किसी के ऊपर. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आप ये लैपटॉप परचेज करने जाते हैं मार्केट से 40,000 रुपीज का, आपको क्या लगता है मिस्टर अम्बानी के ऊपर, मिस्टर अम्बानी से वो बोलेंगे कि सर आप क्योंकि सुपर रिच हैं, आपसे हम GST 55% चार्ज करेंगे. और अगर मैं लेने जाता हूँ या कोई और लेने जाता है तो उनसे बोलते हैं कि आप तो नॉर्मल इंसान है, तो आप इतने रिच नहीं है, आप मिडिल क्लास हैं, तो आपसे हम नॉर्मल स्लैब चार्ज करेंगे, लेटेस्ट से 12%. कोई और लेने जाता है उस लैपटॉप को जो पुअर है, लेट अस सपोज, तो उनसे बोलेंगे कि 5% चार्ज करेंगे. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा. लैपटॉप के ऊपर जो जीएसटी का रेट है, तीनों को वही रेट देना पड़ेगा, तीनों को सेम रेट देना पड़ेगा. मिस्टर अंबानी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पुअर सोसाइटी का सेक्शन है उसके ऊपर इसका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है. क्योंकि कोई भी चीज अगर वो परचेस करेगा, उनसे उतना ही टैक्स कलेक्ट किया जाता है जो रिच या सुपर रिच क्लास से किया जाता है. ठीक है, समझ में आया? इसीलिए इसे रिग्रेसिव इन नेचर बोला कि ये सोसाइटी को पीछे लेकर जाता है, क्योंकि पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है. क्या इनकम टैक्स का इंपैक्ट उस सेक्शन के, उस सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ रहा? वो इसलिए नहीं पड़ रहा कि अगर मान लीजिए उनकी इनकम 5 लाख रुपीज है, उन्हें टैक्स ही नहीं पे करना. उनकी इनकम 10 लाख हो जाती है तो 1 लाख पे करना. तो मतलब अगर वो कमाएंगे
तभी उनको टैक्स देना है, डायरेक्ट टैक्सेशन। अगर नहीं कमाएंगे तो कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर नहीं कमा रहे लेकिन तब भी मार्केट से कुछ गुड्स या सर्विस परचेज कर रहे हैं, तब उनको टैक्स देना पड़ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के फॉर्म में। तो अब मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ। आप लोग अभी कुछ अर्न कर रहे हैं, आपकी कुछ इनकम है, मैं आपकी इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट्स। आर यू अर्निंग एनीथिंग राइट नाउ? सर कैसी बातें कर रहे हो, सर जले पे नमक छिड़क रहे हो, आपको पता है हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कमा रहे, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हम कमाना चालू करेंगे, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर पा रहे, हमें ऐसा बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। तो बुरा मत लगाओ, ठीक है? आप अभी भी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स तो पे नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आपकी इनकम नहीं है अभी, लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को जरूर पे कर रहे। आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई आपके पास मोबाइल फोन है, आपने मोबाइल फोन परचेज किया था, उस पर जीएसटी लगा था, वो आपके अपनी पॉकेट से लगा था और वो गवर्नमेंट के पास चला गया था, तो आपने मोबाइल फोन पे जो टैक्स पे किया था वो आपकी पॉकेट से पे किया। आप कुछ भी और परचेज करके करने जाते हैं मार्केट से, उस पर टैक्स लगता है। आप लेज या कुछ भी चिप्स भी परचेज करते हैं, उस पर टैक्स लगता है, और आप गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट का टैक्स अभी भी पे कर रहे हैं। सो डोंट फील बैड अबाउट इट, ठीक है ना? ये भी टैक्स आप पे करने लग जाएंगे कुछ सालों में, ठीक है? और जब पे करने लग जाएंगे तब आपको दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, बहुत हो गई फालतू की बात। अब हम किसी भी टैक्स को पढ़ते हैं, हमने जीएसटी जब पढ़ा था तब हमने बात की थी कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आए थे हमने जीएसटी में, बात की थी आर्टिकल 246 को अमेंड करके 246 लेकर दिया था। क्या इनकम टैक्स एक्ट के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई भी लेजिस्लेचर या कोई भी लॉ इंडिया में आज की डेट में एक्टिव है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने थम्स अप दिया हुआ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे ओके करा हुआ है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे अथॉरिटी दी हुई है कि ये टैक्स लेवी हो सकता है, तभी वो लेवी होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है कि ये टैक्स इस पर नहीं लग सकता तो वो टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दे डू नॉट हैव द पावर टू लेवी दैट टैक्स। सो व्हाटएवर लॉ इज प्रेजेंट इन दिस कंट्री इज बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लेवी करने के लिए, तभी वो टैक्स लेवी कर पाते हैं। सो यहाँ दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, फर्स्ट वन इज आर्टिकल 265। ये आप जब आईडीटी के आप मैंने टेस्ट लिए थे तो कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन आया था, तो वहां पूछा था कि विच आर्टिकल स्पेसिफाइज टू लेवी टैक्सेशन, तो हम 246A लिख देते थे, बट एक्चुअल में इसका आंसर 265, ठीक है? 246A किसके लिए? स्पेसिफिकली जीएसटी के लिए। 265 पढ़ते हैं क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शंस नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब जब तक किसी लॉ की अथॉरिटी नहीं होगी तब तक वो टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। सो इनकम टैक्स एक्ट इसलिए कलेक्ट, इनकम टैक्स इसलिए कलेक्ट किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट उसे अथॉरिटी दे रहा है, और इनकम टैक्स एक्ट की को बनाने की अथॉरिटी किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसकी अथॉरिटी दी। सो यहां पर तो सिर्फ इतनी सिंपल सी बात की कि अगर कोई टैक्स लगेगा इंडिया में तो अथॉरिटी ऑफ लॉ से लगेगा। ऐसा ही नहीं हो सकता किसी भी दिन किसी की मर्जी हुई, स्टेट गवर्नमेंट कल को बोलने लग जाए कि हम ये फलाना फलाना टैक्स लगाना चाह रहे हैं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ नहीं किया तो स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स नहीं लगा सकती, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल, द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 246। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईडीटी में, बट अगेन रिपीटेड। आर्टिकल 246 हमने पढ़ा था, यहाँ पर तीन लिस्ट है, आर्टिकल 246 में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? इन तीनों लिस्ट में ना कुछ आइटम्स लिस्टेड हैं, कुछ एंट्रीज हैं इनके अंदर, तीनों के अंदर। यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज लिस्टेड हैं, अगर यूनियन लिस्ट में कोई चीज बता दी कि ये चीज यूनियन लिस्ट में है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पहले अभी तो अमेंड हो गया है, बट एक्साइज ड्यूटी अगर मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगाने की अथॉरिटी यूनियन लिस्ट में थी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे अगर कोई भी टैक्स लगेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती थी, राइट? लेकिन अब वो सब सिनेरियो चेंज हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सो अगेन नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज हैं
इस लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज हैं उस पर टैक्स लगाने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उस पर टैक्स लगाने की अथॉरिटी बोथ स्टेट और सेंटर को थी, लेकिन इस लिस्ट के कोई भी आइटम सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि जैसे ही दो लोगों की स्टेट और सेंटर के आपस में मिलने की बात आती है उनमें डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है और वो कभी भी एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं रीच कर पाते। तो यहाँ पर इसके आइटम्स जितने भी हैं वो इफेक्टिव नहीं रहे, वो हमेशा फेलियर ही रहे। सो इनकम, हमें सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स लगाने की अथॉरिटी किसके पास है, सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो वो डिपेंड किस पे करेगा? अगर सर इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स को इस लिस्ट में रखा है तो इनकम टैक्स की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, अगर स्टेट लिस्ट में है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। तो लेट अस सी क्या है। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में उन्होंने लिखा है इनकम टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम दैट इज इनकम टैक्स। किसी भी इनकम पर टैक्स लगेगा तो कौन लगाएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता क्या? देखते हैं। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 में लिखा है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ? बस इतना ही लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई इनकम होगी उस पर टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल टैक्स? इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल टैक्स। वाई? बिकॉज इट इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, चलिए आइए अब एक बात बताइए, इतना बड़ा मैकेनिज्म है, इतने सारे लोगों से 130 सीआर हमारी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, इतने सारे लोगों को देखना है, मॉनिटर करना है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है टैक्स की, या फिर सही से जमा करा रहा है, टाइमली डिपॉजिट करा रहा है या नहीं करा रहा। सो डोंट यू थिंक देयर हैज टू बी अ बॉडी विच नीड्स टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, राइट? तो हमारे यहाँ पर ये जो दोनों टैक्सेज हैं, ये जितना भी काम है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने दो बोर्ड्स बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूट करे हैं दो बोर्ड। फर्स्ट वन इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितना भी काम होता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं, इट हैज बीन टेकन बाय सीबीडीटी। और जो हमने अभी आपका इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, जीएसटी और कस्टम्स, उसके जितने सारे भी टैक्सेस होते हैं, उसकी जितनी भी अथॉरिटी होती है, कोई क्लैरिफिकेशन देना होता है, जो पूरी गवर्निंग बॉडी है वो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, चलिए। सो दीज आर द टू बोर्ड्स। इनकम टैक्स की बात आएगी तो सीबीडीटी, और जीएसटी और कस्टम्स की बात आएगी तो सीबीआईसी, राइट? चलिए अब बात करते हैं कि सर ठीक है, इनकम टैक्स समझ में आ गया, ये किस पर लगता है? ये हमारी इनकम पर लगता है। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में बातें करेंगे, सो जस्ट हैव पेशेंस। ठीक है, वॉट एवर आई एम सेइंग जस्ट लिसन टू इट। अब सर टैक्स लगाना है, ये समझ में आ गया। अब कैसे लगाना है, क्या रूल्स होंगे, कैसे लगेगा, किस इनकम पर लगेगा, किस इनकम पर नहीं लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये सब कौन बताएगा, और किस टाइप की इनकम पर टैक्स लगना है और किस टाइप की इनकम पर टैक्स नहीं लगना। ठीक है, तो सोर्सेस क्या है सर? इसके लिए एक एक्ट है, वो तो है, उसके अलावा भी कुछ सोर्सेस हैं क्या? तो लेट अस सी, देयर आर मल्टीपल सोर्सेस फॉर दिस एक्ट, फॉर दिस पर्टिकुलर टैक्स। सॉरी, सबसे पहला सोर्स इनकम टैक्स एक्ट अपने आप में, दिस इज द बिगेस्ट सोर्स, राइट? सो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो एक्ट है 1961 में आया था। अभी ऐसी बात चल रही है, एक चीज और बता देता हूँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टैक्स इन दिस वर्ल्ड। इतना कॉम्प्लेक्स कोई टैक्स नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमारे इंडियंस के पास कुछ ज्यादा ही दिमाग है, एवरीबडी हैज अ लॉट ऑफ, इंडियन ब्रेन इज एनीवेज फेमस। सो व्हाट हैपेंड इज, ये लॉ 1961 में आया, जैसे ये लॉ आया उसके बाद हमारे इंडियंस ने क्या करा, बहुत दिमाग है, तो उन्होंने इस लॉ के लूप होल्स निकालना चालू कर दिए। लूप होल्स क्या होते हैं? कुछ ना कुछ लॉ में कमी थी, उसका फायदा उठा के टैक्स बचाना चालू कर दिया। तो अब गवर्नमेंट को जब थोड़ी बहुत ये खबर लगी कि ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको अमेंड कर दिया कि वो टैक्स आप जो बचाना चाह रहे हो लॉफुली जो आप टैक्स बचाना चाह रहे हो लॉ का लूप होल्स का फायदा उठा के,
लॉ की इनकंसिस्टेंसी का फायदा उठा के, तो उसने गवर्नमेंट ने उसे क्लोज कर दिया एक्ट में चेंज ला के, ताकि आप उसका फायदा ना उठा पाओ। ऐसा हुआ, फिर उन्होंने दूसरा तरीका डिवाइस कर लिया, फिर तीसरा तरीका, फिर लॉ ने उसे सेकेंड ऑप्शन पे रोक लगा दी, फिर थर्ड ऑप्शन पे, उन्होंने फोर्थ ऑप्शन निकाल दिया। तो ऐसे कर करके इस एक्ट में इतने अमेंडमेंट आ चुके हैं, इतने अमेंडमेंट आ चुके हैं, इट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। सो इट इज इन टॉक्स दैट इनकम टैक्स एक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय डीटीसी विच इज डायरेक्ट टैक्स कोड। बातें चल रही हैं, जैसे जीएसटी की बातें सालों साल चलती रही, वैसे डीटीसी की भी बातें चल रही हैं, बट लेट अस सी, आई एम होपफुल अगर वो आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड, बहुत अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि टैक्स स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, वो जो बस जो एक्ट है वो टैक्स जो हमारा लॉ है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली वट एवर जितना भी लॉ, जितने भी प्रोविजंस हैं, किस इनकम पर टैक्स लगेगा, कौन असेसमेंट करेगा, पेनल्टी कितनी लगेगी, प्रोसिक्यूशन कब होगा, डिपार्टमेंट की ड्यूटीज क्या है, डिपार्टमेंट के पास पावर कितनी है, टैक्स पेयर की क्या ड्यूटी है, किसे रिटर्न फाइल करना है, किसे नहीं करना, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मेंशनड वेयर इन द इनकम टैक्स एक्ट। सो आई कैन से दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स, राइट? ये मेन सोर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या सोर्स है? फाइनेंस एक्ट, आपने देखा होगा हमारे फेब्रवरी के मंथ में बजट स्पीच होती है, राइट? जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो बजट स्पीच देते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं हमारे लोअर हाउस में, ठीक है, लोकसभा में एक फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं। उस फाइनेंस बिल को जब हाउस अपना ओके कर देता है, तब वो फाइनेंस बिल जब अप्रूव हो जाता है दोनों हाउसेस से, मतलब लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, तब वो बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है? जब दोनों हाउसेस से वो अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जब उस बिल पे साइन कर देते हैं तब वो अथॉरिटी ऑफ लॉ बन जाता है, वो लीगल बन जाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो फोर्स में आ जाएगा। तो वो जो बिल होता है वो अब एक्ट का फॉर्म ले लेता है, और जब वो एक्ट बन जाता है तो वो एनफोर्स हो जाता है, मतलब उसमें जो जो बातें लिखी हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, वो लॉ बन गया उस तरह से। सो एवरी ईयर देयर इज अ फाइनेंस बिल विच इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो हम बजट सुनते हैं, आप सुनते हैं ना, ये चेंजेस आ गए टैक्स में, ये चेंजेस आ गए, सो दिस कीप्स ऑन हैपनिंग एवरी ईयर, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है, मैं अगर बोलूँ आपको, दीज आर नथिंग, दीज फाइनेंस एक्ट एनुअल अमेंडमेंट्स आर अमेंडमेंट्स टू दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी लिखा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट लेकर आते हैं। तो जैसे ही वो अमेंडमेंट आता है, तो जिस अमेंडमेंट में बोला कि अब ये एप्लीकेबल होगा, तो वो जो पुरानी वाली चीज़ होती है वो एप्लीकेबल नहीं रह जाती, ठीक है? सो दिस इज वन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जैसे जीएसटी एक्ट हमने पढ़ा था 2017, उसमें अमेंडमेंट्स कितने सारे आ चुके हैं बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, मैंने वो बताया था आपको। फिर मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट एक्ट भी आ चुका है, राइट? फिर मैंने आपको बताया था कि जीएसटी एक्ट तो सेपरेट है, जीएसटी रूल्स अपने आप में अलग, उनकी भी अलग बुक है। ऐसे ही इनकम टैक्स के रूल्स हैं। अब रूल्स और एक्ट में क्या अंतर होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो रूल्स बनाने की पावर किसे है, देखिए थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे लॉ की। अगर कोई भी लॉ इस कंट्री में बनाना है तो विदाउट अप्रूवल ऑफ बोथ दी हाउसेस एंड द प्रेसिडेंट, इसके बिना कोई भी लॉ इस इंडिया में नहीं बन सकता। तो अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है तो आपको दोनों हाउसेस का अप्रूवल लेना पड़ता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। अब लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो तो मेजर चीजें होती हैं कि किस इनकम पर टैक्स लगाना है, किस इनकम पर टैक्स नहीं लगाना, ये तो एक लॉ का पार्ट हो गया। अब एक बात बताइए कि कौन सा फॉर्म भरना है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के लिए फॉर्म भरना है, जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि ये मेरी इनकम है, इतनी इनकम है। अब उसका फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए आपको लगता है ये इतनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेनी चाहिए और फिर प्रेसिडेंट के साइन करवाने चाहिए, नहीं। तो एक्ट में कई जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल बी अप्लाइड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर इसके लिए रूल्स बना दिए जाएंगे। तो एक्ट में ये लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रूल्स बना दिए जाएंगे। रूल्स बनाने की पावर हमने दे दी बोर्ड को। अब इससे देखिए क्या हुआ, अब अगर रूल्स बनाने हैं किसी भी चीज के लिए तो उसमें हमें एक्ट को चेंज नहीं करना, दोनों हाउसेस के पास नहीं जाना, प्रेसिडेंट के पास नहीं जाना, बोर्ड इसमें रूल्स बना देगा और वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है? तो एक ये सोर्स हो गया, बोर्ड ने बोल दिया कि अब नेक्स्ट टाइम से ये फॉर्म भरा जाएगा तो वही फॉर्म
फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस। बोर्ड जो है वो सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस निकालता रहता है टाइम टू टाइम। लेट अस सपोज इतना बड़ा लॉ है, इतना कॉम्प्लेक्स लॉ है, तो इसमें कंफ्यूजन होना तो जाहिर सी बात है। तो हो सकता है डिपार्टमेंट किसी सेक्शन को किसी पर्टिकुलर परसेप्शन या नजरिए से देख रहा हो और आप उसको किसी और पर्टिकुलर परसेप्शन या नजरिए से देख रहे हैं। दोनों के नजरिए अलग हो सकते हैं और दोनों के ही सही हैं, क्योंकि एक लाइन का इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। आपके लिए वो अलग हो सकता है, किसी और के लिए वो अलग हो सकता है, और दोनों ही अपनी जगह सही हैं। तो लॉ में ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप सही हैं या वो सही है, क्योंकि दोनों सही तो हो नहीं सकते एक ही टाइम पर। तो इसके लिए अगर इस टाइप की एम्बिग्युटी कोई अराइज होती है तो उसके लिए बोर्ड सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन इशू कर देता है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, इसका ये मतलब है और ये ऐसे एप्लीकेबल होगा। अब यहां देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशन आर बाइंडिंग अपॉन द इनकम टैक्स अथॉरिटी बट द सेम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी। जो क्लैरिफिकेशन आते हैं वो डिपार्टमेंट के लिए आते हैं और वो उनकी अथॉरिटीज के लिए आते हैं, तो उनके लिए वो बाइंडिंग रहता है, आपके लिए वो बाइंडिंग नहीं रहता। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजंस, मैंने आपको जीएसटी में भी बताया था, ये भी सोर्स है लॉ का। मान लीजिए एक्ट में कुछ एक लैंग्वेज लिखी हुई है, उसमें बता दिया कि ऐसा ऐसा होना है, बट वो कहीं ना कहीं लॉफुल नहीं है या फिर वो किसी इंडिविजुअल के राइट को डिफीट कर रहा है, तो हमने ऐसा पढ़ा है और ऐसा सुना है कि जो भी एक्ट में लिखा हुआ है, इट इज द फाइनल लेटर ऑफ द लॉ, उसे आपको टू द टी मतलब एकदम एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लॉ में कई बार ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट्री होते हैं किसी और प्रोविजंस के से अगर कंपेयर किया जाए। कई बार आपके कुछ राइट्स डिफीट हो रहे होते हैं, तो अगर ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आता है, तो कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो वो पर्टिकुलर जो डिस्प्यूट है वो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में सेटल होता है। अब कोर्ट ऑफ लॉ कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनके तीन लेवल्स हैं, एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, मैं टाइप नहीं कर सकता, सॉरी, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स मतलब सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। इसके नीचे हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं और उसके नीचे हमारे ITAT आते हैं। ITAT हाई कोर्ट से भी नीचे है इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल। एपिलेट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक कोर्ट्स होते हैं जहां पर टैक्सेशन के मैटर्स ही डिस्कस होंगे। अगर आप कोई अपना सिविल सूट लेके वहां चले जाएंगे या क्रिमिनल सूट लेके वहां चले जाएंगे तो वो वहां पर डिस्कस नहीं होगा। ITAT सिर्फ इनकम टैक्स के केसेस को जज करने के लिए बनाया गया है। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल, ITAT इज द फर्स्ट लेवल। अगर आप उसमें भी डिससैटिस्फाइड हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी डिससैटिस्फाइड हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब एक हो गया हाई कोर्ट का डिसीजन, एक हो गया सुप्रीम कोर्ट का। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक्ट में एक लाइन लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि ये लाइन गलत है या फिर इसे ऐसे नहीं ऐसे फॉलो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो अपने आप में लॉ होता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, इट इज बाइंडिंग ऑन द एंटायर कंट्री, इट इज बाइंडिंग ऑन द एंटायर कंट्री। और थोड़े ही टाइम में आप देखेंगे कि वो एक्ट में भी गवर्नमेंट वो चेंज ले आती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अपने आप में लॉ होता है और वो लॉ बन जाता है। ठीक है, और वो पूरी कंट्री, इनकम टैक्स, हाई कोर्ट सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सबको वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजंस में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो? ऐसा पॉसिबल है कि एक बेंच बैठी थी, उसने एक डिसीजन दिया, फेवर में दे दिया SSC के, और दूसरी बेंच बैठी थी, उसने डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दे दिया। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो यहां पर एक रूल है कि जो लार्जर बेंच का डिसीजन होगा वो फॉलो किया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में एक 2 जजेस की बेंच बैठी थी और एक सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच बैठी थी, तो जो 3 जजेस और दोनों के आपस में जो डिसीजंस थे वो एक ही सब्जेक्ट पे थे और कॉन्ट्राडिक्ट्री थे, मतलब आपस में डिसीजन मैच नहीं कर रहे थे। जो 3 जजेस वाली बेंच है उसका डिसीजन माना जाएगा, 2 जजेस वाली बेंच का डिसीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, अगर सेम लेवल की बेंच का डिसीजन आया और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट्री हुआ, ये भी 3 जजेस की बेंच है, ये भी 3 जजेस की बेंच है, दोनों के डिसीजंस कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में जिस जजमेंट, जो जजमेंट बाद में आया होगा,
जो जजमेंट बाद में आया होगा वो प्रिवेल करेगा, जो लेटेस्ट जजमेंट होगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। अच्छा, ये कहना बेकार है कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के डिसीजन में, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मायने रखेगा, हाई कोर्ट का डिसीजन उसके आगे नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि एमपी के हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया और पंजाब के हाई कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दिया और दिल्ली के हाई कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दिया एक ही मैटर के ऊपर? इट इज वेरी मच पॉसिबल, और ये बहुत होता है, और ये बहुत ज्यादा होता है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि एमपी के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है एमपी के लिए वो एप्लीकेबल होगा, मतलब एमपी के लिए वो लॉ बन जाएगा। दिल्ली के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है दिल्ली के लिए वो लॉ बन जाएगा, और पंजाब के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो पंजाब के लिए लॉ बन जाएगा। पंजाब वाला केस लॉ यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ वाला केस लॉ पंजाब नहीं चलेगा। ये तीनों इश्यू सर रिजॉल्व नहीं हो सकते। हो सकते हैं ये तीनों ही अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाए, या इन तीनों में से कोई एक सुप्रीम कोर्ट चला जाए और वो ये बोले कि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, दिल्ली में तो अलाउ कर दिया गया लेकिन एमपी में डिसअलाउ कर दिया गया, और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया इस डिसीजन को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दे दिया, तो फिर ये डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, तीनों के डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो एप्लीकेबल होगा एंड इट विल बी एप्लीकेबल इन द एंटायर कंट्री, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी हायरार्की थी हमारी लीगल अथॉरिटीज की, वो मैंने आपको बता दी। अब इसके आगे चलते हैं, तो क्या क्या सोर्सेज हो गए सर? एक तो एक्ट है ही, दूसरा अमेंडमेंट्स आते हैं हर साल, फाइनेंस एक्ट 2010, 2011, 12, 13, ये एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, जो भी इनके चेंजेस होते हैं वो एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तभी आप सोच सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 कितनी बार अमेंड हो चुका है, हर साल अमेंड होता है, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। देन रूल्स हैं हमारे लिए सर, जो बेसिक चीजें हैं, फॉर्म कौन सा फिल करना है, क्या डेट है लास्ट डेट, इस डेट तक रिटर्न भर देना है, इस डेट तक टैक्स डिपॉजिट करा देना है, सो फॉर दोज वी हैव इनकम टैक्स रूल्स। देन वी हैव सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस व्हिच आर इशूड बाय द बोर्ड। देन देयर आर सम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जुडिशियल डिसीजंस, वो अपने आप में लॉ बन जाते हैं। चलिए सर, अब दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक होगा, मैं आपको टर्मिनोलॉजी, आज हम डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस करेंगे कि आपको थोड़ा फेमिलियर करा देते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में अगर हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे आपके लिए टर्मिनोलॉजी आएगी जो आप अभी तक आपके लिए आप फेमिलियर नहीं है उससे, तो वो टर्मिनोलॉजी आज हम कवर कर लेंगे। बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें करेंगे, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो वो हम कवर कर लेंगे, तो हमारे लिए आगे के टॉपिक्स को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लेटेस्ट से अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2021, आज डेट क्या है, जो भी है, सो 2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इनकम टैक्स में बहुत सिंपल, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें असेसमेंट और प्रीवियस ईयर में, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ इनकम टैक्स के लिए फाइनेंशियल ईयर को, फाइनेंशियल ईयर आप समझते हैं अप्रैल से मार्च तक चलता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो अभी मई चल रहा है, तो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2021 को एंड हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनेंशियल ईयर को इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर बोला जाता है, प्रीवियस ईयर बोला जाता है। सर करेंट ईयर क्यों नहीं बोलते, मैं बताऊंगा। सो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर को इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर बोला जाता है, बस, ठीक। अच्छा, एक चीज और, आप लेट अस सपोज आपने मई में कुछ अर्निंग्स किया, आपने कुछ इनकम की, आपने सैलरी मिली आपको, और हर साल हर महीने आपको सैलरी मिलती गई, तो हर महीने आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज थी, ठीक है। ऐसे करके फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर 2021, या फिर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 2021 में, 2021 में आपको 12 लाख रुपए सैलरी मिली, तो 12 लाख आपकी टोटल इनकम है, ठीक है, इस पर आपको टैक्स देना है। तो ये टैक्स देना कब होता है? क्या हर महीने ये टैक्स आप देते हो गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट गवर्नमेंट 1 लाख रुपए मिल गए, ये लो 10,000 रुपए टैक्स, या ये लो 5,000 रुपए टैक्स, डज इट हैपन लाइक दिस? नो, गवर्नमेंट बोलती है आपकी इनकम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हो गई, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की इनकम आपकी कंप्लीट हो गई, इसका रिटर्न आपको नेक्स्ट ईयर भरना है,
इसका रिटर्न आपको नेक्स्ट ईयर भरना है, लेट अस से जुलाई में भरना है. तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिटर्न आप जुलाई 2021 में भरेंगे. टैक्स कब जमा कराएंगे? जुलाई में ही जमा कराएंगे सर. टैक्स भी आप जुलाई में जमा कराएंगे. तो बेसिकली सर मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा जितना भी इनकम हुई इस प्रीवियस ईयर की, वो असेस अगले साल होती है. मतलब असेस मतलब मैं उसका असेसमेंट अगले साल करता हूँ. कितनी इनकम हुई, कितना टैक्स बनेगा, ये सारे असेसमेंट मैं नेक्स्ट ईयर करता हूँ. ठीक है, और टैक्स कब जमा कराता हूँ, वो भी नेक्स्ट ईयर जमा कराता हूँ. तो हर प्रीवियस के नेक्स्ट ईयर को हमने बोला असेसमेंट ईयर. मतलब 2021 का असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22. क्यों? क्योंकि इस साल की इनकम अगले साल जाके असेस होगी. तो इसीलिए किसी भी प्रीवियस ईयर के अगले साल को उसका असेसमेंट ईयर बोला जाता है. तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है. आप पढ़ के देखिए, आपको समझ आ जाएगा. असेसमेंट ईयर मींस द ईयर इमिजिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर. तो अगर प्रीवियस ईयर 12-13 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 13-14. ठीक है. पर्पस क्या है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, मैंने आपको बताया जो इनकम होगी इस साल की, वो इस साल टैक्स नहीं लगता, उस पर अगले साल लगता है. असेस्ड, असेस भी और टैक्सेबल भी, वो फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में होती है. तो अगर आपकी 12-13 की इनकम जो आपने कमाई है, जो आपने अर्न किया है, उस पर आप टैक्स 13-14 में देते हैं. कब देते हैं? जुलाई में टैक्स आप पे करते हैं. ठीक है, तो किसी भी प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर उसके अगला साल होगा. 3 साल 4 साल बाद नहीं होगा, उसका अगले साल में उसका असेसमेंट हो जाता है उस इनकम का, और वहीं आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, वो मैटर क्लोज हो जाता है. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जो जिस भी प्रीवियस ईयर, अब मैं पुराने प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, मैं अब किस साल की बात कर रहा हूँ, 12-13 की. 12-13 प्रीवियस ईयर जब मैंने बोला, तो आप समझ जाना कि मैं उस साल की इनकम की बात कर रहा हूँ. मैंने, अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला असेसमेंट ईयर 13-14, मैंने आपको प्रीवियस ईयर टर्म्स में बात नहीं की, मैंने आपसे बोला असेसमेंट ईयर 13-14 की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या समझेंगे? किस साल की इनकम है? 13-14 की इनकम है? नहीं, 12-13 की इनकम. जब असेसमेंट ईयर 13-14 है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 12-13. ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. तो हम अब इस टर्म में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर 10-11, तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 11-12. ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि हम प्रीवियस ईयर, मतलब 10-11 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो 10-11 की इनकम की बात कर रहे हैं, जो कि असेस हुई होगी 11-12. तो यहां पर यही लिखा हुआ है, इसे आप रीड कर लेंगे. जनरल रूल क्या है? अब जनरल रूल ये बोलता है बॉस कि जिस भी साल की इनकम है वो अगले साल असेस होगी. जिस भी साल की इनकम है वो अगले साल असेस होगी. मुझे सैलरी मिली कहीं से, मेरी इनकम अगले साल असेस होगी. मुझे कहीं से रेंट मिला, मेरी इनकम अगले साल असेस होगी. ठीक है, अगले साल असेस होगी. इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस देखते हैं, और क्या है. इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट असेसी फ्रॉम शिपिंग कंपनी. वो कह रहे हैं अगर कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, इंडिया से के बाहर का व्यक्ति है, और उसकी जो इनकम है वो शिपिंग बिजनेस से आ रही है, तो उसे हम उसी साल में असेस कर लेंगे. आप जितने भी यहाँ पर पढ़ेंगे ना, वो सारे कौन से केसेस होंगे जहां पर अब या तो इनकम टैक्स कलेक्ट करने का स्कोप लिमिटेड होगा या फिर खत्म होने वाला होगा. तो यहाँ पर लिमिटेड कैसे आ रहे? भाई बाहर का आदमी है, शिपिंग बिजनेस कर रहा है, अगर बाहर चला गया बिना टैक्स पे किए, हम वेट करते रहेंगे कि अगले साल जुलाई आएगा, सितंबर आएगा, तब उसका असेसमेंट करेंगे. अगले साल जुलाई और सितंबर में वो भाग गया, हमें पता ही नहीं है अब वो कहाँ है, और हम कहीं भी उसको ढूंढने तो जाएंगे नहीं. तो उन्होंने बोला कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जिस साल की इनकम है उसी साल उसका असेसमेंट हो जाएगा, उसी साल आपको टैक्स जमा कराना है, उसी साल हम चेक करेंगे. ठीक है, तो एक नॉन रेजिडेंट जो कि शिपिंग बिजनेस कर रहा है, सेम ईयर इनकम असेस हो जाएगी. पर्सन जो कि इंडिया परमानेंटली छोड़ के जा रहा है या लंबे टाइम के लिए छोड़ के जा रहा है, देख रहे हैं ना, लंबे टाइम के लिए छोड़ के जा रहा है, 7-8 साल के लिए बाहर जा रहे हैं साहब, तो अब अगले साल तो वो यूरोप में होगा, यूरोप में हॉलीडे कर रहा है, यूरोप में बिजनेस कर रहा है. अब आप उससे बोल रहे हो भैया इनकम इंडिया का टैक्स दे के जाओ. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो वाई क्रिएट दैट सिचुएशन? जिस साल है उसी साल उससे कलेक्ट कर लीजिए. फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. कुछ ऐसे बॉडीज या कुछ लोग ऐसे साथ में आके उन्होंने एक बॉडी फॉर्म कर ली, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, और वो सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो 4 महीने के लिए बनी थी. 4 महीने बाद जैसे ही उनका एक प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म हुआ, उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दी.
अब वी शुड नॉट, इनकम टैक्स ऐसा बोलता है अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए वेट नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो ये ऑर्गेनाइजेशन रहनी नहीं है, तो जिस साल ये ऑर्गेनाइजेशन थी हम उसी साल टैक्स लेके खत्म। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि जो पर्सन है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा टैक्स अवॉइड करने के लिए, मतलब अभी तो हमारे पास प्रूफ है कि बॉस ये इसके पोजेशन में है, ये इसके पोजेशन में है, लेकिन कल को पता चला ऑन पेपर कुछ भी नहीं है लेकिन ये है चीज इसकी, हमें दिख रहा है ये इसके पोजेशन में है, लेकिन जैसे ही इसे पता चलेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके पीछे है, ये प्रॉपर्टी या कैश इधर उधर ट्रांसफर कर देगा। आपने मूवीज में देखा होगा कि कैश कहीं और किसी और के घर भिजवा देते हैं, दीवारों में छुपा देते हैं, कुछ इस टाइप की चीजें करते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो कैश या फिर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अपना एसेट्स हैं, वो ट्रांसफर कर देगा, उसे पकड़ना अभी जरूरी है। अगर हम नेक्स्ट ईयर का वेट करेंगे हम टैक्स से हाथ धो बैठेंगे, तो क्या करते हैं उसी साल उसका असेसमेंट हो जाता है। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अब बिजनेस ही बंद कर दिया बॉस, तो बोलते हैं कि उसी साल उससे टैक्स ले लो, डोंट वेट फॉर अनदर 2-3 ईयर्स फॉर हिम टू पे टैक्स। सो दीज आर बेसिकली द एक्सेप्शंस टू द रूल। विच रूल? जनरल रूल है कि प्रीवियस ईयर की इनकम नेक्स्ट ईयर असेस होती है, असेसमेंट ईयर में उसका असेसमेंट होता है और उसका टैक्स हम नेक्स्ट ईयर कलेक्ट करते हैं। बट ये पांच सिचुएशन उसका एक्सेप्शन है जहां पर प्रीवियस ईयर, जिस साल में, लेट अस सपोज प्रीवियस ईयर 12-13 की इनकम है, तो उसका असेसमेंट भी 12-13 में हो जाएगा, 13-14 के लिए वेट नहीं किया जाएगा। सिचुएशन हमने देख ली, बहुत सिंपल है कि लोग भाग सकते हैं यहीं से टैक्स लेके, और उनसे डिफिकल्ट हो जाएगा फिर टैक्स कलेक्ट करना फ्यूचर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या है बॉस? नेक्स्ट टर्म है असेसी। अब असेसी क्या होता है? असेसी के लिए देखते हैं डेफिनेशन क्या दी हुई है। असेसी, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, जो टैक्स पे करता है उसे असेसी बोलते हैं। कल को अगर आप टर्म, मतलब लीगल टर्म्स में, इनकम टैक्स के लॉ में उसे असेसी बोला जाता है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कि असेसी ने टैक्स कब पे किया, असेसी को रिटर्न कब फाइल करना था। सो व्हेन वी से असेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज सपोज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, राइट? देखते हैं असेसी में क्या क्या है। अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट, उसे कोई टैक्स या फिर कोई और पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है? एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स, मतलब टैक्स तो पे नहीं करना लेकिन उसके ऊपर केस चल रहा है कि उसने टैक्स पे नहीं किया, तो उसे भी आप असेसी ही बोलोगे, ठीक है? पर्सन हु इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम और लॉस ऑफ अनदर पर्सन, इनकम और लॉस किसी और की थी लेकिन असेसमेंट आपका हो रहा है तो आपको भी असेसी बोला जाएगा। सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, देखेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कई बार दूसरे लोगों की इनकम का टैक्स भी आपको चुकाना पड़ता है और दूसरे लोगों की इनकम आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है, दूसरे लोगों की इनकम आपकी इनकम में क्लब कर दी जाती है। सर ये कैसी बात है? ऐसी ही बात है, देखेंगे, जब पढ़ेंगे तब आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है, ठीक है? चलिए, एवरी पर्सन इज डू हु इज डीम्ड टू बी असेस, लगता है कि ये असेस हो सकता है उसे भी असेसी बोलेंगे। डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट क्या होता है? कोई भी अगर आपने एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया या आपने उसका मिसयूज किया या आपने उसको उसका कुछ भी आपने फॉलो नहीं किया उसे, तो आपको असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाता है। तो बेसिकली मैंने जो आपको पहले डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी कि किसी से भी अगर टैक्स कलेक्ट करना है या किसी भी पर्सन जिसके बारे में बात की जाएगी जिसे टैक्स पे करना है या फिर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है या फिर किसी और की इनकम उसके में जुड़ रही है, तो उसे हम असेसी बोलेंगे। मतलब किसी भी तरह अगर किसी से टैक्स या तो हमें लेना है या ले लिया जा सकता है, उसे हम असेसी बोलेंगे, ठीक है? चलिए, ये जो सेक्शंस दिए हुए हैं साथ में, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस हैं, इनमें ये डेफिनेशंस दी हुई है, नहीं याद करने सेक्शंस। चलिए, पर्सन, पर्सन क्या क्या होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन इंक्लूड करती है किसे? इंडिविजुअल को, आप या फिर मैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं एज इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, आई डू नॉट हैव एनी पार्टनर्स राइट नाउ, ठीक है? तो मैं इंडिविजुअली ये काम कर रहा हूँ, अपना बिजनेस भी, अपना प्रैक्टिस भी और अपना टीचिंग भी। इट इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दिस इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। जो हमारा हिंदू लॉ है उसके अंडर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पहले हुआ करती थी, अब तो सारी स्प्लिट होती जा रही है, तो अब ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया, लेकिन क्योंकि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ HUF, तो ये अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि आज की डेट में HUF बन नहीं रहे हैं, जो पुराने HUF हैं वही
चले आ रहे हैं। तो जब तक वो चले आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, कुछ सालों में ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। तो उनका असेसमेंट अलग तरीके से होता है, उनके लिए रूल्स अलग हैं। सो दिस इज अ डिफरेंट पर्सन, इट इन ये भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। एक कंपनी भी पर्सन होती है, फर्म, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जैसे कि टेम्पल्स, टेम्पल्स कोई लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स तो होते नहीं है, ठीक है, तो उन्हें एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बनाया जाता है, मतलब वो सिर्फ एक्ट के लिए एक बॉडी है, अदरवाइज वो रियल एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक, चलिए अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। व्हाट इज एन इंडिविजुअल? इंडिविजुअल से समझ आ रहा है एक नेचुरल पर्सन, एक ह्यूमन बींग के बारे में बात हो। तो अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप इंडिविजुअली अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका असेसमेंट होगा, आपको भी असेसी बोला जाएगा, आपको भी एक पर्सन कंसिडर किया जाएगा एक्ट, ठीक है। इंडिविजुअल क्या क्या इंक्लूड करता है? माइनर को भी इंक्लूड करता है और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, देन ऑल्सो यू आर इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल, ठीक है। डेटीज, डेटीज मतलब जो आपके भगवान होते हैं, दे आर असेसिबल एज ज्यूरिडिकल पर्सन, उन्हें हम इंडिविजुअल नहीं मानते, ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं मानते। एच यू एफ क्या होता है? मैंने आपको बता दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू लॉज के हिसाब से चलता है, इसमें जैन्स और सिख फैमिलीज भी इंक्लूडेड होती हैं। एक किसी ने वियर्ड क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर एच यू एफ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, मुस्लिम फैमिलीज भी कवर्ड होंगी क्या? अब बताइए, आप लिखा हुआ है नाम में हिंदू और वो कह रहे हैं मुस्लिम भी इंक्लूड होंगी क्या? ठीक है, तो मुस्लिम फैमिलीज इंक्लूड नहीं होंगी इसमें, दे आर हिंदूज ओनली। ये मतलब लॉ बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसमें इंक्लूड नहीं होंगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ हिंदू लॉ के हिसाब से बनती है और हिंदू लॉ में वो दिया हुआ है तो ये बनती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, पूरी फैमिली का साथ में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली में एक मेन, एक सबसे सीनियर मेंबर है, उनकी वाइफ है और उनके चार बच्चे हैं और उनके भी चिल्ड्रन हैं, तो इस पूरे को हम एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। कोई भी बिजनेस ये करते हैं तो इनका साथ में असेसमेंट होता है, ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है। तो जैन्स और सिख फैमिलीज भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एक बार अगर एच यू एफ में असेसमेंट हो गया तो हमेशा एच यू एफ मान के ही असेसमेंट होगा, ठीक है। कंपनी, कंपनी के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा? इंडियन कंपनी भी आ जाएगा बॉस, फॉरेन कंपनी भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे सीबीडीटी बोर्ड ने स्पेशली अपने ऑर्डर से किसी एक जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर इश्यू करके किसी को कंपनी बना दिया है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। फर्म में क्या आएगा बॉस? पार्टनरशिप फर्म आएगी। फर्म में क्या आएगा? पार्टनरशिप फर्म आएगा, पार्टनरशिप फर्म भी आएगी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आएगी। अब इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जब एक से ज्यादा लोग, या फिर मैं कह सकता हूँ दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके कोई बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो साथ में आते हैं, अपनी अपनी कैपिटल लेके आते हैं कि मैं बिजनेस में इतना कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं बिजनेस में इतना कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, और हम साथ में बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। वो साथ में एक अग्रीमेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। वो जब साथ में अग्रीमेंट करते हैं, उस अग्रीमेंट में वो लिख लेते हैं कि मेरी, मेरा इसमें इतना शेयर रहेगा, मेरा इसमें इतना शेयर रहेगा, लेट अस से दोनों 50-50 शेयर पे अग्री कर जाते हैं। तो अब वो जितना भी बिजनेस करेंगे उससे जितना भी प्रॉफिट आएगा, उससे जितना भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 50-50%। लेट अस से 10 लाख का प्रॉफिट आया तो 5 लाख ए को मिल जाएगा, 5 लाख बी को मिल जाएगा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म लॉ में देखा जाए, अगर सिविल लॉ में देखा जाए तो इट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इसका क्या मतलब है बॉस? इसका ये मतलब है कि कल को अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस आया या वो बैंकरप्ट हो गई या फिर उन्होंने हैवी लॉसेज हो गए जो सस्टेन नहीं कर पाए और आपके जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी से भी कम हो गए, मतलब एसेट हमारे पास 50 लाख के और लाइबिलिटी खड़ी हुई है 100 लाख की, तो अब क्या होगा? ये जो डिफरेंशियल 50 लाख का अमाउंट है ये कौन देगा? क्या पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे? मेरा मतलब है क्या पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स, उनका घर, गाड़ी, बंगला, ये सब भी नीलाम कर दिया जा सकता है क्या पार्टनरशिप के लॉस को कवर करने के लिए? बिल्कुल कर दिया जाएगा सर। सो फॉर द पर्पस ऑफ सिविल लॉ, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज, दे आर द सेम, ठीक है।
लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स के कॉम्प्यूटेशन के लिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ इनकम टैक्स असेस करने के लिए ये दोनों सेपरेट माने जाते हैं। मतलब पार्टनरशिप ने अगर कोई इनकम अर्न करी साल में 10 लाख रुपए की, तो उस पर टैक्स पार्टनरशिप फर्म को देना है, ठीक है। और उसके बाद लेटर से पार्टनरशिप फर्म ने इनकम कितनी असेस की, 10 लाख रुपए इनकम की पार्टनरशिप फर्म ने पूरे साल में, उस पर उन्होंने 30% टैक्स दे दिया, 3 लाख रुपीज उन्होंने टैक्स दे दिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस, बचा हुआ अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट क्या है, 7 लाख रुपीज। अब ये जो 7 लाख रुपीज का अमाउंट है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू टू पार्टनर्स। तो 3.5 लाख इनको मिल गया, 3.5 लाख बी को मिल गया, दोनों पार्टनर्स को 3.5 3.5 लाख अमाउंट मिल गया। तो क्या उस जो इनकम थी 10 लाख रुपए की, उस पर टैक्स पार्टनरशिप फर्म ने पे किया? यस, द पार्टनरशिप फर्म पेड टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर 10 लाख रुपीज। नाउ एंड देन दिस इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बोथ द पार्टनर्स। जब वो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो क्या उस इनकम पर, वो इनकम पार्टनर्स की इंडिविजुअल इनकम में भी इंक्लूड हो जाएगी? हाँ, इंक्लूड हो जाएगी, ठीक। तो क्या इंडिविजुअल पार्टनर्स को भी टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम पर जो पार्टनरशिप फॉर्म से इनकम आई है? अब इसका आंसर ये है, अगर मैं हाँ बोल दूंगा तो वो जो इनकम पार्टनर्स के पास जा रही है उस पर डबल टैक्स लग जाएगा, क्योंकि अभी अभी पार्टनरशिप फॉर्म ने उस पर टैक्स पे किया है। तो जो पार्टनरशिप फॉर्म की इनकम होती है 3.5 लाख, 3.5 लाख दोनों पार्टनर्स में गई, तो वो उनकी इनकम में ऐड तो होती है, लेकिन उस पर उनको दोबारा टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि पार्टनरशिप फर्म की जो इनकम है वो पार्टनरशिप फर्म उस पर टैक्स देती है, और फिर वो इनकम पार्टनर्स के हैंड्स में भी जुड़ जाती है, मतलब पार्टनर्स के इनकम में भी जुड़ जाएगी। लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, ऐसा लगेगा कि सर वहां भी टैक्स दे दिया, फिर इंडिविजुअल पार्टनर्स जब अपना असेसमेंट कराएंगे खुद का, उसमें भी टैक्स देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। टैक्स एक ही बार दिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ, ठीक है। सो द इनकम ऑफ, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब उस पर टैक्स पे कर देते हैं, वो इनकम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो उनकी इनकम में जुड़ जाती है, लेकिन उस पर टैक्स नहीं देते पार्टनर्स। दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो मैंने ये बात बताई क्यों आपको, मैंने आपको ये बात इसलिए एक्सप्लेन की कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स उसके इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो दोनों सेपरेट माने जाते हैं। सेपरेट माने नहीं जाते तो फिर दोनों की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। पार्टनरशिप फर्म की भी इनकम मान रहे हो आप, ऐसे जो पार्टनर्स हैं उनकी भी इनकम मान रहे हो, ठीक है। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, अदरवाइज दोनों एक है। चलिए, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? अब लेट अस सपोज मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमें एक लगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है, हम लोग साथ में मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी अर्निंग्स होंगी हम अपना अपना शेयर ले जाएंगे, हम 5 लोग हैं, हम 20-20% शेयर ले जाएंगे। तो सर ये तो पार्टनरशिप जैसा लग रहा है, जब दो से ज्यादा लोग काम करते हैं साथ में और प्रॉफिट शेयर करते हैं और ये सब करते हैं, तो ये तो पार्टनरशिप लग रहा है। दोस्त, लग तो पार्टनरशिप जैसा ही रहा है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे नहीं। सर ऐसा क्यों? ऐसा हमने इसलिए डिसाइड किया, पार्टनरशिप फॉर्म इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये बिजनेस जो है वो सिर्फ 2 मंथ्स का है, ये सिर्फ 2 महीने का बिजनेस है, उससे ज्यादा ये बिजनेस नहीं चल रहा। तो हम एक टेम्प्ररी पीरियड के लिए आ रहे हैं और टेम्प्ररी पीरियड के लिए हम वो बिजनेस कर रहे हैं, और जैसे ही वो टेम्प्ररी बिजनेस खत्म होगा, वो प्रोजेक्ट खत्म होगा, वील गो आर सेपरेट वेज, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पार्टनरशिप डीड बनाए, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराए, ये सारी फॉर्मेलिटीज हमें नहीं करनी। तो हमने क्या करा, हमने अपने आप को एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की तरह फॉर्म कर लिया, और फिर हमने वो जो बिजनेस था, वो जो प्रोजेक्ट था, वो एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कैरी ऑन किया। तो जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल साथ में आते हैं और लिखा है इंडिविजुअल्स ओनली, मतलब कंपनी और इंडिविजुअल साथ में आके बिजनेस करेंगे, तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या है, इंडिविजुअल्स ओनली। तो जब एक से ज्यादा लोग, ह्यूमन बींग्स, एक से ज्यादा ह्यूमन बींग्स साथ में आते हैं और एक इनकम अर्न करने के मोटिव से वो एक कॉमन पर्पस के लिए कुछ करते हैं, एक प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हैं, इट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर एओपी क्या होता है? अब मान लेते हैं
मेरी कंपनी है, ठीक है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, तीन फ्रेंड्स हैं, उनकी पार्टनरशिप फॉर्म है। मैंने उनको एक प्रपोजल दिया कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, तो कहते हैं कैसे करना है। मैंने कहा मैं अपनी कंपनी से पैसा लगा दूंगा, आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा लगा देते हैं, हम दोनों एक ज्वाइंट वेंचर टाइप का बना लेते हैं और वो प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, दे वर ऑल्सो गुड विद इट, आई वॉज ऑल्सो गुड विद इट। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या हम एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बना सकते हैं? सर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सर उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कंपनी या फर्म नहीं हो सकती। तो अब हम क्या बनाएंगे? उन लोगों के लिए एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। पर्संस की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी, इसलिए पर्संस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। पर्संस में क्या आता है? इंडिविजुअल भी आता है, एचयूएफ भी आता है, कंपनी भी आती है, पार्टनरशिप फर्म भी आती है। सो व्हेन अ कंपनी एंड अ फर्म डिसाइड टू गेट टुगेदर फॉर अ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, वो क्या फॉर्म करेंगे? एओपी फॉर्म करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए। डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी द मेंबर्स इन केस ऑफ बीओआई, और एओपी में कंपनी और फर्म भी मेंबर्स बन सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। लोकल अथॉरिटी में सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ जाता है, सॉरी पंचायत आ जाता है, कंटेनमेंट बोर्ड आ जाता है, ये सारी सब चीजें आ जाती हैं। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो क्या है सर? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सिर्फ आईज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ, मे नॉट बी डायरेक्टली सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे आर सूड इन, जैसे कि आइडल्स हो गए, डेटीज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इट इज अ मेंबर बोर्ड ऑफ ऑल द लॉयर्स। ठीक है, यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो क्या यूनिवर्सिटीज अपने आप में कुछ होती हैं क्या? कोई पर्सन होता है क्या? नहीं सर, ना तो कंपनी है, ना पार्टनरशिप है, कुछ भी नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है आईज ऑफ लॉ में। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया तो ये क्या होगा? इंडिविजुअल होगा? नहीं सर, ये तो लोकल अथॉरिटी होगा। कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, लिमिटेड लग गया आगे, लिमिटेड मतलब कंपनी। मिस्टर अमिताभ बच्चन, हु इज ही? इज अ सुपरस्टार, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। नहीं भाई, इंडिविजुअल हैं, इनकम टैक्स के टर्म्स में बात कीजिए। अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एबीसीएल, जो उनकी कंपनी है, वो क्या है? वो भी इंडिविजुअल है क्या? नहीं सर, इट इज अ कंपनी। उनका क्या स्टेटस है इनकम टैक्स में? कंपनी। तो क्या सर ये अलग टैक्स पे करेंगे, कंपनी अलग टैक्स पे करेगी? बिल्कुल सर, दे आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री राम एंड देयर सन लव कुश, वो क्या है? ज्वाइंट फैमिली बोल दिया यहां पर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली को, एचयूएफ। कैलकटा यूनिवर्सिटी क्या है? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एक्स एंड वाई हुआ लीगल हेयर्स ऑफ जेड, दोनों साथ में आके कुछ काम कर रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल्स हैं एक्स एंड वाई। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सर मैं अकेला अपना बिजनेस चला रहा हूं, ट्रेडिंग का हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाट विल दैट बी कॉल्ड? इंडिविजुअल कहलाया जाएगा। सर मतलब अगर मैं खुद का अकेला बिजनेस कर रहा हूं तो मैं एज अ इंडिविजुअल असेस होऊंगा, मेरी फर्म में असेसमेंट नहीं होगा। आप बहुत आगे भी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, फर्म इनकम टैक्स में, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मतलब हमारी अकेले की फर्म है, इनकम टैक्स एक्ट में फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो अगर फर्म की बात की जाएगी तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म है, अगर इंडिविजुअल है तो मतलब सोल प्रोप्राइटर होगा। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस जैसा कि बोला तो फिर वो फर्म एज अ फर्म असेसमेंट होगा। सर एक बात बताइए, ये डिस्टिंक्शन आपने किया क्यों? लोकल अथॉरिटी अलग, कंपनी अलग, बीओआई अलग, इंडिविजुअल अलग, फर्म अलग, क्यों किया? बस इसलिए किया, जब अभी आगे हम टैक्स रेट पढ़ेंगे ना, इन सबके लिए टैक्स रेट अलग अलग है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आपके लिए टैक्स रेट है 30%, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके लिए स्लैब सिस्टम है, अगर कंपनी हो तो आपके लिए टैक्स रेट 25% है। ठीक है, तो अलग अलग क्यों कर रहे हैं हम? ऐसे ही नहीं कर रहे, आगे चल के हम देखेंगे टैक्स रेट्स ही अलग है सबके लिए। तो आपका बिजनेस का फॉर्म, दिस इज योर बिजनेस फॉर्म, आपने अपना बिजनेस किस फॉर्म में कंडक्ट कर रहे हो आप, ये वो है। तो ये आपका जो बिजनेस का स्टेटस है, ये आपका डिफाइन करेगा कि आपका इनकम टैक्स में कैसे असेसमेंट होगा। ठीक है, आप पर क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा। नेक्स्ट, इनकम। अब इनकम सर बहुत जरूरी है, सर नाम ही इनकम टैक्स है, तो इनकम तो पता चले कि इनकम होती क्या है।
सो लेट अस टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन वील कंटिन्यू विद इनकम. ठीक है, चलिए.